पूछना चाहेंगे, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने विश किया और मेरे को पवित्र पुनिया और जो बिग बॉस में थी पूजा मिश्रा, गोविंदा जी ने विश किया मेरे को, उन्होंने भी मेरे को वीडियो बाइट भी दी है। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा निकला। सर बचपन में कैसे सेलिब्रेट करते थे बर्थडे, अगर कुछ मेमोरीज बचपन में मैं करता था, मेरे फादर करते थे एक्चुअली, माय फादर बेसिकली लॉयर, तो वो अपने सर्कल को बुलाते थे, मैं छोटे में ही करता था, अभी स्टार्ट किया है। ऑल्सो मैम आप क्या कहना चाहेंगे, सर का जन्मदिन है और कैसे विश करना चाहेंगे सर को और क्या शुभकामनाएं होंगी सर को? इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी, दिस इज़ अ डे लाइक इट्स अ हेवन फॉर मी टुडे, इट्स लाइक अ हेवन फॉर मी टुडे एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैविंग अ सच अ क्यूट पर्सन इन माई लाइफ एंड फ्रॉम लास्ट टू मंथ्स ही वॉज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे डेली. Actually, he is putting videos onto this thing, you know, YouTube. Happy birthday, and so I can identify this person. Like, it's a big blast person that having a big birthday, big bashes birthday. Sir, इसके अलावा नए साल में जो है enter करने वाले हैं आप, क्या resolution बनाने पसंद करते हैं? काफी चीजें मैंने resolution बनाई हैं, और मैंने अभी एक नया office भी लिया है, जिसमें मैं काफ़ी अभी मेरा वीडियो म्यूजिक करने का प्लान है, बाकी एल्बम वगैरह भी मैं कर रहा हूँ, मूवी भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। सर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ बताएं, जैसे आप दो सॉन्ग कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं मिस्टर धर्मेंद्र कुमार डायरेक्टर हूँ। और स्टारकास्ट के बारे में अगर कुछ शेयर करें? स्टारकास्ट में हम लोग नोन ही लेंगे, अभी फाइनल नहीं हुआ, नोन से बात चल रही है। ओके सर, ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज होगा आपकी तरफ से सर? ऑडियंस के लिए तो बस यही कहना चाहेंगे कि उनका होना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, विदाउट ऑडियंस कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, जहाँ ऑडियंस होते हैं वहीं पर सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। और मुझे लगता है किसी भी चीज़ को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए सभी लोगों का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। सर जैसे आपने कहा कि बहुत सारे सेलिब्रिटी ने विश किया है, आज मीडिया से मुखातिब होने के लिए कितने सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर? मुकेश ऋषि की बात चल रही है, मुकेश त्यागी जी आ रहे हैं जो मधुर भंडारकर के काफ़ी फिल्मों में, पूजा मिश्रा आ रही थी पर किसी कारणवश उनका बैक में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उस कारण से उनका कैंसिल, और बाकी सब बिल्डर डेवलपर ये सब हैं, मेरे जितने भी फाइनेंसर्स हैं वो आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। सर लुक दिस कैमरा, हाँ ठीक है ठीक है। क्या बेस्ट विशेज होगी उनके लिए और क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जैसे कि वो अपनी लाइफ में सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी जाए और आगे वो दिन और तरक्की करें अपनी लाइफ। किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप सौरभ जी के साथ, अगर उस बारे में कुछ बताएं, और कुछ अगर पुरानी मेमोरीज उनके साथ शेयर जो उनके साथ? डेफिनेटली ही इज़ माई गुड फ्रेंड, एक्चुअली ही इज़ माई फैमिली मेम्बर लाइक, सो हम बहुत बार ऐसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, काम के लिए मिलते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं, जैसे कि लास्ट हम लोग गए थे हम पूरी फैमिली के साथ में, गोवा का ट्रिप था हमारा, वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग जब वहाँ पे इवेंट कर रहे थे, इवेंट के दौरान उनकी वाइफ और मैं, हम दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक मंच पे रैंप वॉक था हमारा सम सौरभ के साथ में, तो उनकी वाइफ पीछे रह गई थी, तो हम लोग साथ में चले गए थे, वहाँ सबको लगा कि हम दोनों पेयर हैं, तो ये बहुत बड़ी सी बात थी उस टाइम पे, बट हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैम इसके अलावा आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो शेयर करना? जी बिल्कुल, मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ अभी OTT के लिए, जैसे कि हमारा MX प्लेयर है उनके लिए मैंने अभी की है रिसेंटली, उससे पहले मैं काफ़ी सारी पंजाबी मूवी साउथ की मूवी कर चुकी हूँ, थ्री सीरीज़ के साथ मेरा एक सॉन्ग आ रहा है और सौरभ जी के साथ एक सॉन्ग आ रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहन बोले तो क्या कहना चाहेंगे इनके बर्थडे पे? भाई और क्या बोलूँ, मोर एंड मोर सक्सेस टू हिम वॉट एवर ही डज, इनका ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ रहता है, दैट्स व्हाट, ही इज जस्ट वन कॉल अवे फॉर अस, व्हाट मैटर द मोस्ट।
तो सर क्या माहौल है, किस तरीके की पार्टी अंदर हो रही है? अभी बहुत सारे सेलिब्रिटी तो ऑन द वे हैं, टीवी स्टार भी ऑन द वे हैं काफ़ी, तो बहुत अच्छा माहौल होने वाला है केक कटिंग तक। थैंक यू, थैंक यू, जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे लुक सर। डन, हाँ डन, भाई डन। ये फोटो लगा रहे हैं कि बात ही नहीं भाई। चलो, डन भाई। गोलिंग। सर, सर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सौरभ जी को और क्या कहना चाहेंगे सर? आइए ऐसे ही अपने दोस्तों, अपने परिवार आए दे, एक एक बार के निपटाएंगे क्या करें? मास्टर बाद में ले लेना, अभी क्लोज क्लोज खेल लेते हैं। भाई सौरभ जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सच बात यह है कि इनका जो व्यवहार, इनका नेचर, ये जो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि बिना किसी को पैसे दिए सिर्फ बातों से खरीद लेते हैं, वो ये हुनर ही बराबर बना रहे। ये अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, सब लोगों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें, सबका दिल बहलाते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मस्त ऐसी पार्टियां ऑर्गेनाइज करते रहें। थैंक यू सो मच अर्जुन भाई, रियली थैंक यू सो मच फॉर अर्जुन भाई। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अर्जुन भाई अपना बिजी शेड्यूल निकाल के मेरे यहाँ तक आएंगे, पर लेकिन रियली थैंक यू सो मच अर्जुन भाई। राजेंद्र भाई अपना सुबह, इनकी सुबह सुबह निकल रहा है, उनका पुणे के लिए शूट है उनका, लेकिन वो फिर भी मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई सौरभ भाई का दिल से सर, दिल से स्वागत है आपका, और दिल से स्वागत हमेशा रहेगा। आइए आइए सर, आइए। लंबी उम्र के लिए और अच्छी सेहत की शुभकामनाएं इनके लिए, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा काम, बहुत सारी खुशियाँ। कॉपी पेस्ट। गाइस स्पेशल थैंक्स टू गेवी भाई, गेवी भाई पंजाब के बहुत बड़े एक्टर हैं। गेवी भाई यहाँ पे एक सरप्राइज दिया है हम लोगों ने बर्थडे बॉय को, गेवी भाई ने। थैंक यू गेवी भाई, थैंक यू सो मच, लव यू, लव यू, लव यू, थैंक यू, लव यू डार्लिंग। ऐसे ही महफिल लगती रही। टाइगर 3 भी आने वाली है, क्या कोई झलकियाँ दिखेगी आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। टाइगर 3, हाँ जी, अभी है समय, थोड़ा सा समय है, दीपावली के ऊपर होगी रिलीज। मनोज भाई, मैं एक मीडिया को एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि दानिश भाई खुद अपने मुँह से नहीं बोलेंगे, लेकिन तकरीबन 200 करोड़ की पिक्चर है साउथ के सुपर डुपर स्टार पवन कल्याण, उसमें ये विलन, मेन विलन कर रहे हैं दानिश भाई, बहुत बड़ी क्या बात है, सर कांग्रेचुलेशन, और बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी है रत्तम सर, ये रत्तम आपको आना मिली सर, सौभाग्य। और गेवी भाई टाइगर 3 में है ही, और पंजाब में भी 2-3 बहुत बड़ी पिक्चरें कर रहे हैं, और उसके मतलब पंजाबी पिक्चर के बारे में डिटेल तो गेवी भाई खुद ही बता सके। इनकी बहुत बड़ी फिल्म आ रही है, कोई और है, कोई और मनोज भाई अपना सिद्धू मूसेवाला पर डेडिकेट है, बहुत जल्दी आपको देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे सौरभ जी का जन्मदिन है, क्या शुभकामनाएं होंगी? अच्छा, सौरभ को मैं कुछ 12 इयर्स से जानती हूँ, एंड ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जस्ट लाइक अ फैमिली। सो मैं सौरभ को दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी सौरभ ऐसे हर साल इसी तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करे और 150-200 साल जी जाए। कहना जी, इसके अलावा क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है? 2023 आ चुका है, क्या क्या लाइन अप है अगर उस बारे में कुछ? अभी मैंने रिसेंट अपना एक लॉन्जरी ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है गेटी। सो अभी एक मैं न्यू बिजनेस में घुस रही हूँ, एंड बैक टू बैक मैं वेब सीरीज़ तो डायरेक्ट कर ही रही हूँ, प्रोड्यूस भी कर रही हूँ। आई होप मैं इस साल और भी कुछ सीरीज़ करूँ। लास्ट ईयर मैंने कुछ 29 सीरीज़ डायरेक्ट तो प्रोड्यूस की थी, एंड आई एम होपिंग कि इस साल 50-60 तो हो जाए। बिग बॉस को इस साल कितना फॉलो कर पा रही हैं? बिग बॉस सोलो इस साल मैंने बिग बॉस बिल्कुल नहीं देखा, जानवर ही हम टेलेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बिग बॉस में यार अब कुछ रह ही नहीं गया है जो मैं देखूं। वही लोग उसे बार बार प्रमोट कर रहे हैं, बार बार वही लोग कह रहे हैं कि देखो देखो देखो, अच्छी टीआरपी है, और मेरे नॉलेज में मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ मुझे नहीं लगता कोई भी बिग बॉस देख रहा है। कहना जी पठान भी आने वाली है, कितने एक्साइटेड है देखने के लिए, और क्या कहना देखेगी फर्स्ट डे फर्स्ट शो पठान? आई वुड लव टू, मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और जो भी लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ये कर रहा है वो कर रहा है, बिलीव मी गाइस ये सारी पॉलिटिक्स है, मत घुसो। हम बॉलीवुड के लोग हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम ये सब जो होते हैं उन सब चक्करों में मत पड़ो,
हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, हम सबका बिजनेस है, हम सबका काम है। जैसे बाकी प्रोफेशन होते हैं, बाकी लोग जॉब करते हैं, वैसे हम लोग भी काम करते हैं। और अगर बॉलीवुड है तो हम सब हैं, चाहे आप बिहाइंड द सीन है या इन फ्रंट ऑफ सीन है। ये वाली जो पॉलिटिक्स होती है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, कल मैंने किसी के ट्वीट में देखा कि कोई कह रहा है कि शाहरुख खान पाकिस्तान को जाके 100 करोड़ रुपए दे देगा। शाहरुख खान ने तुम्हें खुद कहा है क्या? क्या तुम पाकिस्तान में जाकर घूम कर आए हो और तुम्हें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है? प्लीज़ ऐसी बातों में मत घुसो। हमारा देश अनेकता में एकता है, हम सब एक हैं और हम सब एक हैं इसीलिए हम हैं। सो प्लीज़ फिल्म को सपोर्ट करो। एंड शाहरुख खान है तो हमारे सपने हैं यार, देखो फिल्म। एक फिल्म देखने से कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, मेक इट हिट। 4 साल बाद कम बैक कर रहे हैं वो। थैंक यू सो मच। देखिए ऐसा है कि दिस वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस डेज ऑफ दिस ईयर व्हिच स्टार्टेड एक्चुअली जनवरी 2023 आफ्टर कोरोना कोविड इन्फेक्शन हैज डिसअपीयर्ड एंड नो वंडर सौरभ इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे इन सच अ ब्यूटीफुल ग्रैंड पार्टी। आई कैन सी द ग्लिटरिंग द वेन्यू बैरल एंड इट इज ओनली सौरभ हु इज अ स्टाइलिश पर्सोना जिनके अंदर एक अंदाज है, मुख्तलिफ अंदाज है और बेहद हैंडसम आदमी भी हैं और रंगीले भी हैं थोड़े से। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी लड़कियाँ मर रही हैं, बीवी अभी मैं अभी मैं इनकी उम्र नहीं करूँगा। आप बोलिए नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकती, ये बातें बताई नहीं जाती। इनको खुद की उम्र नहीं बता। अरे अभी काम तो 16 में लगे हैं। मुझे ये लग रहा है अभी ये टीनेजर में एंटर की है। इनकी जो बायोलॉजिकल एज है वो टीनेजर वाली है और इनकी जो फितरत भी वो भी टीनेजर। आई एम रियली सो हैप्पी हर साल यंग होते रहे, ऐसी जवानी बरकरार रखे और हमको पार्टी में ऐसी बुलाते रहे। मुकेश जी का आने का मैं इस चीज़ को मैं सौभाग्य समझूंगा कि वो मेरी पार्टी में आए। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी मुलाकात हमेशा ऑलवेज होती रही अवार्ड्स में, पार्टीज में, पर लेकिन आज मेरे को आई एम रियली सो हैप्पी। मतलब ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा गिफ्ट हो गया। थैंक यू सौरभ, थैंक्स अ लॉट। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा गिफ्ट हो गया, मैं जिसकी सेवा करता हूँ, बहुत बड़ा गिफ्ट हो गया मेरी लाइफ में बिकॉज ऑफ मनोज भाई। मनोज भाई ही इज कमिंग फ्रॉम बनारस, ये इनको क्रेडिट जाता है। लेकिन आपकी जवानी का सीक्रेट क्या है? वो मैं बताऊंगा बाद में। लुक दिस कैमरा मैम, लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, यस मैम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। धमाका करने का पूरा मेरा मनसूबा है और आज धमाका होके रहेगा फॉर सौरभ जी बर्थडे पार्टी। कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं सौरभ जी? इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड लास्ट मोमेंट में मैंने उनको बोला कि हाँ मैं फाइनली आ रहा हूँ बिकॉज वो काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे थे कि शान यू हैव टू कम एंड प्लीज़ अर्शी को भी अपने साथ लेके आना। सो बट मैं अकेला आया हूँ और अर्शी की कमी मैं पूरी करूँगा अंदर जाके पक्का। क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं अगर इस बारे में? एक्चुअली अभी मेरे और अर्शी की एक वेब सीरीज आने वाली है एंड एक सॉन्ग है जो वैलेंटाइंस डे से पहले पहले रिलीज हो जाएगा। और बिग बॉस 16 को कितना फॉलो कर पा रहे हैं? हाँ अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, लाइक प्रॉपर मैं शो तो नहीं देख रहा हूँ बट हाँ कुछ कुछ मुझे अर्शी से पता चलता रहता है, लाइक शी इज़ फॉलोइंग सो मच। और आपकी और अर्शी की बॉन्डिंग हमने देखा सोशल मीडिया पर बहुत, उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या प्लान है?
एक्चुअली हम लोगों ने वीडियोस बनाना एक साथ शुरू किया था, बट ये नहीं पता था कि उसका जो रिस्पांस है वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड अर्शर मेरी बॉन्डिंग को इतना ज़्यादा पसंद किया जाएगा. बट येस, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द सोशल मीडिया पीपल एंड ऑल द इन्फ्लुएंसर्स दैट यू गिव अस सो मच ऑफ गुड लव एंड सपोर्ट. सो एंड वी जस्ट वॉन्ट कि अभी कुछ यू नो वी वॉन्ट टू डू समथिंग ऑन टी वी एंड सम नाइस रियलिटी शो. बट मैंने बोला कि आई रियली वॉन्ट हर्षी की वैलेंटाइंस डे से पहले पहले हमारा एक सॉन्ग आए. सो शी इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर दैट टू. सर यहाँ पे थैंक यू लाइट लगाओ भाई, लाइट उनका जन्मदिन है, क्या शुभकामनाएं होंगी आपको? पहले तो सबसे पहले मैं सौरभ शर्मा जी को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगा. और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और उनकी सौरभ शर्मा करके एंटरटेनमेंट कंपनी है, और मैं उनके साथ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ. बहुत ही अच्छे नेचर के आदमी हैं और सबको साथ में लेके चलने वाले हैं. और सौरभ शर्मा जी का आज बर्थडे है, चाहूँगा कि वो जिस तरह से मीडिया से जुड़े हुए हैं और इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उसी तरह से उनका इस कनेक्शन बरकरार रहना चाहिए. और मैं चाहता हूँ कि वो जिस तरह से अभी तरक्की कर रहे हैं, इसकी दोगुना तरक्की अगले 2024 में, इससे बड़े प्लेटफॉर्म पे हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. एक बार मेरा आर के इवेंट कंपनी है, मैं इस इवेंट को मैनेजमेंट कर रहा हूँ बैरल कंपनी के साथ मिल के, और यहाँ की बैरल की टीम और उनका सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच एनसी से आया हूँ और सौरभ जी के बर्थडे के लिए. सौरभ जी मेरे, मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी उनके फ्रेंड आएंगे, मेरी गारंटी 100% सबसे पुराना दोस्त मैं उनका हूँ. लगभग 13 साल से हमारी दोस्ती है, और मैंने जीरो से हीरो बनते हुए उनको मैंने देखा है. उनके संघर्ष के दिन में मैं था, और आज तो आपके सामने देख रहे हैं. और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ उनके जन्मदिन के लिए. मेरी एक छोटी सी प्लीज मीवेंट कंपनी है, क्योंकि इसमें आप लोगों ने लोगों लगाया, आपको दिखाई. तो एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामना सौरभ जी को मैं दे रहा हूँ उनके जन्मदिन के लिए. और बाबा विश्वनाथ से, चूँकि मैं काशीवासी हूँ और बनारस से आया हूँ, तो बाबा विश्वनाथ से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि ये दिन दूनी रात चौगुनी इसी तरह तरक्की करते रहे, और इसी तरह हर साल चार चार लगाते रहे. धन्यवाद.